किसी ने मुझे लूटने की कोशिश करी कल यार, लिटरली मुझे लूटने की कोशिश की। अगर पढ़ के सुनाता हूँ और देखो एक बार, भाई तू बड़ा झूठा इंसान है, तेरी वजह से परेशान आदमी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज विपिन गुजेला। यार ये इस टाइप की वीडियो मेरे चैनल पे ना फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ, और एक्चुअली क्या है, बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वैसे तो मैं इस टाइप की जो कमेंट्स होते हैं ना इग्नोर करता हूँ, सिंपल सी बात आप समझ ही गए हो कि जो वीडियो है ना ये कमेंट को लेके है। और एक्चुअली क्या है, स्टार्टिंग में जब मैंने आज से 2 साल पहले चैनल चालू किया था, जब फ़र्क पड़ता था तो रिप्लाई कर देता था हेट कमेंट्स के, अच्छे कमेंट्स के भी, हर जगह जैसे अभी भी मैं कभी कभी जब कमेंट्स देखता हूँ तो रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन हेट कमेंट्स का हमने इग्नोर करना कब का बंद कर दिया। लेकिन ये बंदा जो है ना, इस बंदे को मैं कब से देख रहा हूँ, बिकॉज ये हर दूसरी तीसरी वीडियो में कुछ ना कुछ कमेंट्स करता रहता है। तो कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि सही है यार, मतलब भाड़ में जाने दो। लेकिन अब इसने मेरी एक वीडियो पर ऐसा कमेंट किया जो मेरे दिल को लग गया, तो मैंने सोचा इसको रिप्लाई करता हूँ कमेंट्स में। तो मैंने सोचा नहीं यार, ऐसे बंदों का जवाब देना ना ऐसी वीडियो में ज़्यादा सही रहता है, बिकॉज मैं जानता हूँ वो बंदा ये वीडियो देख रहा होगा, और शायद इस वीडियो में भी अगर उसने कमेंट किया ना तो मैं उस कमेंट को पिन करूँगा। मैं जानता हूँ वो गाली वाली कुछ ना कुछ मतलब देगा ही, कुछ बातें नहीं करनी आएगी, बिकॉज ऐसे लोग जो होते हैं ना उल्टी सीधी बकवास करते हैं। मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ और कमेंट आप लोगों को दिखाता भी हूँ। और मेरे ये कमेंट कौन सी वीडियो में आया, ये कमेंट आया मेरा है जो मेरी कुवैत में हाउस ड्राइवर वाली एक वीडियो है, आप देखना, डालोगे ना कुवैत हाउस ड्राइवर तो सबसे पहले मेरी वीडियो आएगी जिसमें 5,39,000 व्यूज़ कुछ आ रखे हैं, देखना एक बार। सो कमेंट है भाई का ये देखो जी, उनका नाम भी है स्पेशली, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, स्क्रीनशॉट ये रहा जिसका, ये देखो इसका नाम है मोहम्मद जिशान। सो उसने कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ और देखो एक बार, भाई तू बड़ा झूठा इंसान है, तेरी वजह से परेशान आदमी एम्बेसी जाता है, और तू और एम्बेसी वाले पैसे खाकर आदमी को और परेशान करते हैं, और ना जल्दी इंडिया भेजते हैं, तेरी बात का कोई भरोसा नहीं है। भाई लोग ये बहुत झूठा मक्कर और एक नंबर का चीटर इंसान है, ये किसी का साथ नहीं दे सकता, बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए फेक बातें करता है। मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही है एक तो, और मतलब सही है यार, हेट फैला रहा मेरे नाम का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हर कोई दुनिया में कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जिससे लोग नफरत करते हों, प्यार करने वाले बहुत होते हैं, नफरत करने वाले भी होते हैं, सही है, लाइक डिसलाइक करने वाले भी होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो सब आप लोग मुझे देखते हो, पुराने जो हैं, आई थिंक जो नए लोग होंगे वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते होंगे, बट जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें प्यार करते हैं वो अच्छे से समझ पाते हैं कि यार मैं किस टाइप का इंसान हूँ, उनको पता है। और देखो मैं एक बात मैं जानता हूँ कि यार सिंपल सी बात है, मतलब बात करने के लिए मेरे पे इस बात का इतना बड़ा मतलब ये वीडियो बन सकती है बहुत बड़ी, मैं नहीं चाहता कि मैं इस बात का रिप्लाई करूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग कमेंट्स करें इस बात का, इस भाई को जवाब दो, सही है, और आई नो कि ये ज़रूर जवाब देगा, और मैं इसके जवाब का इसके जवाब को डिलीट नहीं करूँगा, चाहे कोई इसने जो भी कुछ लिखा होगा, सही है। तो इस बात का जवाब आप सब लोग प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताना। और लेकिन मैंने एक बात बोलना चाहता हूँ सिंपल सी, और ये एक्चुअली कमेंट आया था कल रात को, कल क्या तारीख थी, 19 नवंबर को रात को कुछ 12-1 बजे के आसपास आया था। सो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, देखो यार अगर मुझे पैसे कमाने होते ना भाई, पहली बात रही इंडियन एम्बेसी, भाई इंडियन एम्बेसी सरकार है तो सरकार से मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ, पहली बात तो ये सही है, ये तो होगी पहली बात। और आपने शायद मेरी और वीडियोस देखी होंगी, बहुत से लोगों ने मेरी इंडियन एम्बेसी वाली वीडियोस भी देखी होंगी, मैंने कैसे कैसे हेल्प करी लोगों की, नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लेना, इंडियन एम्बेसी कुवैत डालोगे तो मेरी 2-3 वीडियोज़ आ जाएंगी, मैंने लोगों की कैसे हेल्प करी है, अपने रिस्क पे, अपनी जॉब के बलबूते पे, अपने जॉब को रिस्क लेके, अपने खुद पे रिस्क लेके, मतलब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अब जाके वीडियो देख लेना, सही है। लेकिन इस बात इस कमेंट का एक रिप्लाई देना चाहता हूँ कि देखो अगर मुझे पैसे कमाने होते ना आप सब लोगों से, तो मैं अब तक बहुत पैसे कमा चुका होता। वो कैसे, बिकॉज क्या है ना, देखो बहुत सारी कंपनीज कुवैत की और इंडिया में जो कंसल्टेंसीज होती है उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मुझसे बोला भी कि यार देखो आप हमारी कंपनीज़ के लिए वीडियो बना दो, और हमको सिर्फ आप वीडियोज़ बना दो कि भाई कंसल्टेंसी, ये वाली कंसल्टेंसी है, इस टाइप की वैकेंसी हमारे पास खाली है, और आप हमें बंदे प्रोवाइड करा दो। एक बंदे के 5,000 रुपये मुझे मिल रहे हैं सिंपल, देखो कम से कम 5,000 रुपये तो कंसल्टेंसी मुझे देगी। अगर मैंने 10 बंदे कराए तो मेरे खड़े खड़े 50,000 रुपये तो ऐसे ही हो गए भाई। अगर मुझे पैसे कमाने होते ना यार तो मैं बहुत पैसे कमा चुका होता, लेकिन मुझे कोई लालच नहीं है। मैंने सिर्फ ये चैनल जब मैं स्टार्टिंग में था, अब तो मैं सिर्फ ट्रैवल लाइफस्टाइल ब्लॉग्स बनाता हूँ, लेकिन
और जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो भी डाली थी कि भाई हफ्ते दो हफ्ते में एक वीडियो कुवैत से रिलेटेड जॉब्स के रिगार्डिंग जरूर मैं डालूंगा, बहुत कुछ सोचा हुआ है, डालूंगा जरूर, ऐसी बात नहीं कि नहीं डालूंगा, सही है। और कभी कभी दिमाग में इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना कि सब मैसअप हो जाता है। और डालेंगे वीडियो, सही है। और मैंने, हाँ तो मैंने चैनल, जब मैं कुवैत में था तो सिर्फ मैंने सोचा कि मैं क्या वीडियोस बना सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन है जॉब्स के रिगार्डिंग, वो सब शेयर करता हूँ लोगों के साथ। तो शायद काफ़ी लोगों की हेल्प हुई है भाई, काफ़ी भाइयों की हेल्प हुई, उन्होंने मुझे कमेंट भी करा है। अबे यार इसको भी अभी करना था क्या? तो काफ़ी भाइयों ने कमेंट भी करा, मुझसे मिले भी, बोले कि भाई आपकी वीडियो देख के बहुत हेल्प हुई है, तो थैंक यू सो मच। बस यार मैं किसी के काम आ जाऊँ, दुनिया में पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए कोई किसी के काम आए, नहीं इंसान को इतना वो होना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी के काम आ पाए तो इस दुनिया में है ही क्या यार, कुछ भी नहीं है, पैसा यहीं के रखा रही यहीं के यहीं रह जाना है यार, यहाँ से सिर्फ इंसान क्या लेके जाएगा, अपने कर्म, अपने कर्म अच्छे करो, सिंपल सी बात है। कुछ नहीं रखा, पैसा हर कोई कमाता है यार, कोई थोड़ा कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, बस ये फ़र्क है, पैसा रह के यहीं जाना है, पैसा कहीं नहीं लेके जा सकता है अपने साथ, और बस कर्म करो अच्छे, यही बोलूँगा भाई, और कुछ नहीं रखा जिसान भाई इन सब चीज़ों में, सही है। और इतना ही वो है, फिर से आप ये वीडियो देखोगे, आने वाली वीडियो भी देखोगे और कमेंट्स करोगे उल्टे सीधे, मैं जानता हूँ, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कमेंट्स करते हैं, यहाँ पर नहीं इंस्टाग्राम पे भी आते हैं मतलब के लिए आते हैं। और जो मेरी अभी लास्ट वीडियो गई थी ना, जिसमें मैंने बताया था गुड न्यूज़ फॉर कुवैत करके, जिसमें काफ़ी लोगों ने बोला था कि भाई कमेंट्स मैंने वहाँ पर भी पढ़े, लोग बोले कि भाई तुम कुछ लिखते कुछ हो, वीडियो कुछ और बनाते हो, तो मैं उन सब लोगों को बोलता हूँ कि यार देखो अगर मैं कुछ वीडियोज़ बनाता हूँ तो बहुत से लोग हैं जो सिर्फ मतलब के लिए मेरे पास आते हैं, यू नो, अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यार देखो मतलब के लिए मत बनो, जो भी सारी चीज़ें हैं मतलब के लिए मत आओ, आप अच्छे से हर चीज़ करोगे, मैं चाहता हूँ कि कनेक्शन बना रहे हमारा, मैं आप लोग जैसे आप लोग मुझे जानते हो, मैं आप सब लोगों को जानूँ, आप अच्छे से सारी चीज़ें करो। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच के रखी है, और क्या बोलूँ, मतलब इस टॉपिक के ऊपर मैं इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, ऐसे एक्चुअली बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी बनने को। और कल रात को मेरे साथ एक सीन और हुआ था फेसबुक पे, किसी ने मुझे लूटने की कोशिश करी, कर ले यार लिटरली मुझे लूटने की कोशिश की, अगर मैंने दिमाग नहीं चलाया होता ना तो शायद मेरे साथ कल पक्का सीन हो गया होता रात को। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को हर चीज़ का, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, शायद मैं इस चीज़ को इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ ऐसा सीन ना हो, बिकॉज़ ये एक फ्रॉडबाजी है, और उस फ्रॉडबाजी का मैंने अपने पास वो करके रखा हुआ है। मैं एक्चुअली नाम छुपाना चाहता हूँ, मेरे फेसबुक पे एक मेरे कॉलेज के सारे हैं, बहुत ही अच्छे मेरे लेक्चरर हैं जिनसे मैं कनेक्ट हूँ, उसी प्रोफाइल से एक दूसरे बंदे ने कल मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी रात को। मैंने कहा कि यार ऐसा कैसा है, इनसे तो मैं ऑलरेडी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरा है, मैंने क्या पता शायद अनफॉलो हो गया हो गलती से, सर से अनफॉलो हो गया, तो उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट भेज दी, मैंने एक्सेप्ट कर ली, सही है, उसी प्रोफाइल से। और मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको हल्का सा ऐसा करके, देखो दो प्रोफाइल है ना, सही है। तो मैंने सोचा चलो सही है, फिर उस बंदे ने मतलब अब सर के नाम से सर के प्रोफाइल वगैरह वो, मैंने सोचा कुछ हो गया होगा, मतलब हाई करके भेजा, हाय विपिन, मैंने कहा आई एम गुड सर, हाउ व्हाट अबाउट यू, तो उन्होंने बोला कि आई नीड सम हेल्प, मैंने कहा क्या हो गया यार सर को, एकदम से कहने लगे आई नीड सम मनी। और ये देखो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, उसका स्क्रीन शॉट भी दिखा देता हूँ इसमें मैंने रिकॉर्डिंग भी करके रख ली थी, ये देखो इसमें लिखा आई एम फाइन, उसने फिर सीधा मेरे को उसी प्रोफाइल से बोला कि डू यू हैव गूगल पे और पेटीएम, मैंने कहा यस आई हैव, कहने लगा कि आई नीड सम मनी, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, कहने लगा कि मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं कल सुबह पक्का दे दूँगा, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता, बिकॉज आई मुझे मालूम है मेरे सर का प्रोफाइल कैसा है। तो फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा यू नो क्लिक किया, मैंने कहा नहीं यार ये मुझे कुछ फेक लग रहा है, फिर मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट में जाके सर्च करा, मैंने कहा दो दो अकाउंट, और सर का मेरे पास सर का नंबर था, मैंने सर को बोला, मैंने सर को भेजा मैसेज, सर कहने लगा यार ये तो कोई फेक अकाउंट है, तो उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। अगर आपको साथ भी कुछ ऐसा होता है तो प्लीज़ प्लीज़ कभी भी किसी कोई बंदा आपसे ऐसे हेल्प मांगा सीधा फ़ोन करके पूछा करो कि भाई तूने ऐसा करा है नहीं करा। और आई नो कि वीडियो लंबी होगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि यार आप सब लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, सो प्लीज़ गाइस अवेयर रहो इन सब चीज़ों से, और जल्दी से किसी लड़की के चक्कर में भी यू नो फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत करो, बहुत सी लड़कियां भी ऐसी करते हैं, बहुत से लड़के भी करते हैं हर जगह, सही आप देख लो, तो मेरा बिल्कुल ये है तो कोई जानकार बंदा बिकॉज उसने मेरे सर के नाम से प्रोफाइल बना रखी है। और बस यही बोलूँगा, आज की वीडियो को ही एंड करते हैं, कमेंट करके आपको जो करना है कर सकते हो, लाइक करना है लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना उस भाई को रिप्लाई करने के लिए। आज के लिए इतने, बाय, टेक केयर, जय हिंद।